मिशन 400 के लिए बीजेपी चुनावी मैदान में अपनी सियासी बिसात बिछाने की तैयारी कर चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 के इस महासमर का शंखनाद बीजेपी अपनी पहली सूची के साथ करने वाली है। 100 उम्मीदवारों की यह सूची काफी चौंकाने वाली हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं विजय वर्मा और लोकसभा की चुनावी रणभेरी बजने वाली है, शंखनाद की तैयारी है और बीजेपी ने अपने संभावित विजयी रथ की कमान कस ली है। पहली सूची कभी भी आ सकती है और इसी पहली सूची पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पार्टी सूत्रों से खबर है कि कई चौंकाने वाले नामों को इस सूची में शामिल किया गया है। कई बड़े दिग्गज सांसदों के साथ ही कई मंत्रियों के भी सूची में टिकट कटना तय माना जा रहा है। पार्टी की सूची में कई बड़े कद्दावर नेताओं के साथ ही अभिनेता अभिनेत्री खिलाड़ी भी चुनाव मैदान में उतारे जा रहे हैं। बीजेपी की यह पहली सूची अब किसी भी वक्त जारी हो सकती है। लोकसभा चुनाव की इस पहली सूची में ज्यादातर बड़े और चर्चित चेहरों को शामिल किया गया है। इसके लिए पार्टी ने गहन मंथन किया है। इस सूची में कई नए प्रयोग देखने को मिलेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी की सूची को लेकर 2 साल पहले से ही होमवर्क किया जा रहा था। बुधवार को ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सूची पर देर रात तक गहन मंथन हुआ, गहन चर्चा हुई। बैठक में कई अंतिम नामों पर मुहर लगाई गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 सालों से सांसदों के काम का लगातार फीडबैक लिया जा रहा था। खबर यह भी है कि इस बार बीजेपी अपने कई मौजूदा सांसदों का टिकट काटे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। पिछले 2 सालों में बीजेपी ने लगातार अपने सांसदों के कामकाज का फीडबैक लिया। उनके संसदीय क्षेत्र में जनता उनके बारे में क्या सोचती है, इसको लेकर भी लोगों से राय शुमारी की गई। माना जा रहा है कि पार्टी और संघ की राय के अलावा हर एक संसदीय सीट पर बीजेपी ने सर्वे के लिए प्राइवेट एजेंसियों का भी सहारा लिया है। कुछ समय पहले कई केंद्रीय मंत्रियों को भी अलग अलग संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी और रिपोर्ट मांगी गई थी, वो उसका भी ब्यौरा मीटिंग में बैठक में लिया गया। जनता अपने संसदीय क्षेत्र में किसे उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहती है, उनकी राय को भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल किया गया। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए पार्टी ने टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया। नमो ऐप के जरिए जनता को मौजूदा सांसदों के प्रदर्शन पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। पारंपरिक तरीकों से हटकर भाजपा ने 3 सबसे लोकप्रिय नेताओं के बारे में पूछताछ करके जमीनी स्तर पर लोगों की राय मांगी। उधर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि खराब प्रदर्शन करने वाले सांसदों के टिकट बिना किसी हिचकिचाहट के काट दिए जाएंगे। नए चेहरों के लिए रास्ता बनाने के लिए कम से कम 60-70 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। पार्टी ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से आने वाले उसके कई सांसदों के दोबारा चुनाव लड़ने की उम्मीद है, जिनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सफलता में 85 के करीब ओबीसी सांसदों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया समेत कई ऐसे केंद्रीय मंत्रियों को आम चुनाव में उतारने की तैयारी है, जिन्हें पार्टी ने संसद के उच्च सदन के लिए द्विवार्षिक चुनाव के दौरान राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया था। बीजेपी इस बार खेल और बॉलीवुड सेलिब्रिटी को भी चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। बीजेपी की ओर से हर एक संसदीय सीट के लिए नाम फाइनल करने से पहले काफी विचार विमर्श किया गया। बीजेपी ने कई राज्यों में अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ भी जो सीटों का समझौता था वो भी फाइनल कर लिया है। बिहार से कुछ मंत्रियों के टिकट बीजेपी काट सकती है। सबसे ज्यादा चर्चाएं जिन नेताओं की है उनमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं। पार्टी दिग्गजों को मनाने के लिए इन्हें लोकसभा चुनाव मैदान में उतारने का मन पहले ही बना चुकी थी। शिवराज सिंह चौहान को पार्टी विदिशा से चुनाव लड़ा सकती है, वहीं वसुंधरा राजे को झालावाड़ से टिकट मिलने की जानकारी है। राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को चित्तौड़गढ़ से टिकट मिलने की संभावना है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कोटा से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को इस बार राज्यसभा से टिकट नहीं दिया गया तो उनका लोकसभा में टिकट तय माना जा रहा है। इस बार उन्हें पार्टी महेंद्रगढ़ या अलवर सीट से चुनाव मैदान में उतार रही है। इसके अलावा राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी को भी उनकी मौजूदा संसदीय सीटों से टिकट मिलना तय है। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा संकट उन सांसदों पर है जिन्हें MP राजस्थान के विधानसभा चुनावों में
चुनाव लड़ाया गया लेकिन वे हार गए। तो हारे हुए सांसदों का टिकट कटना तय माना जा रहा है। भाजपा की पहली सूची में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी समेत कई बड़े नाम शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अभिनेता अक्षय कुमार को चांदनी चौक से, मंडी से अभिनेत्री कंगना रनौत को और गुरदासपुर से भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को टिकट मिलने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। तो देश की सियासत में देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने नए लक्ष्य को लेकर इतिहास रचने की तैयारी में है। उधर विपक्षी इंडी गठबंधन में बड़े बिखराव के बाद एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।